क्योंकि भक्त के वश में है भगवान, भगवान तो भक्त के वश में है। धारा को कहा देवी गौ माता अगर दूध नहीं देगी तो किसी गांव में जाकर के किसी अपने सहेली से दूध लेके आ जा, वो भी तो गौ माता है, गौ माता में तो कोई भेद है ही नहीं। ठीक है, गांव गई, प्रकट हो गया, ये तो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जन्म मथुरा में लिया गए गोकुल, ये तो सुनते आ रहे हैं। और ये कहे कि ऐसा कौन सा पुण्य था, उनकी जीवनी कौन सी ऐसी गाथा थी जिस उनकी जीवनी को सुन करके हम भी उनसे कुछ ऐसा ज्ञान ले ताकि परमात्मा सा पुत्र हमें भी प्राप्त हो जाए। अग्नि पुराण में वर्णन आया है और स्कंद पुराण में भी कहीं वर्णन है इसका, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। पूर्व जन्म में जो नंद बाबा है इनका नाम था द्रोण, और जो नंदरानी यशोदा है इनका नाम था धरा। दोनों ही भगवान नारायण के उपासक थे। जंगल में एकदम एकांत में रहते थे, बीरावन जंगल में लकड़ियां बीन करके यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म करते थे, दैनिक हवन होता था इनके घर में। लेकिन इनके यहां कोई संतान नहीं थी, दुखी थे कि प्रभु आपने संतान नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन हम आपका दामन थोड़ी छोड़ेंगे। असली भक्ति की तो परिभाषा यही है, जब आपके पास सब ठीक ठाक हो तब तक तो सब भक्त भी बन जाएंगे, कथाकार भी बन जाएंगे, अनेकों काम हो जाएंगे जो भक्त के पास होता है। जब नहीं होता है वही तो असली कृष्ण है कि वो कितना भरोसा भगवान पे कर पाता है। कह रहे हैं प्रभु हमने अपना भरोसा तुमसे तोड़ा नहीं है, हमारा भरोसा तो अभी भी आप ही है। हाँ, तुम्हारी इच्छा है पुत्र नहीं देना है तो, लेकिन उन्होंने भी एक संकल्प कर दिया, जब तक हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ठाकुर जी ये बैठे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है, ग्राम देवता तक सीमित नहीं है। इनका नाम ठाकुर जी क्यों है, इनका नाम ठाकुर मालूम है क्यों है? हाँ जी, तुम ठाकुर मेरे प्रभु, तुम ठाकुर मेरे, इन्हीं ठाकुर की सेवा करते थे। ठाकुर कोई वो वाले नहीं, क्षत्रिय वाले ठाकुर नहीं है ये ठाकुर शब्द ग्रंथ का शब्द है। अधिकतर लोग अपने साथ वहां लिखते हैं अपने नाम के साथ भी ठाकुर लिख देते हैं, हमारे यहाँ ठाकुर बोलते हैं जो क्षत्रिय होते हैं। हाँ जी, अब समझ में कई बार ये नहीं है कि ठाकुर कौन सा ठाकुर है, ये जो ठाकुर है ये ब्रज का शब्द है। ठाकुर उसको कहते हैं जिसके ठाट है उसको ठाकुर बोलते हैं, वहां पर जिसको हमारे यहाँ सेठ बोलते हैं इनको वहां पर ठाकुर बोलते हैं, जो ठाट में रहते हैं। अब बताइए कैसा ठाट है इनका, धूप बत्ती सबकी होती है, पूजा पाठ सबका होता है, भोग भी सब कुछ रहते हैं, इनका कौन सा अलग सा ठाट है? कह रहे हैं दुनिया के जितने भी मंदिर है सब ब्रह्म मुहूर्त में खुलते हैं, सो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में हो, चाहे महाकाल का मंदिर उज्जैन में हो, चाहे श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में हो, लेकिन ब्रजधाम का ठाकुर जी का मंदिर है सब राम के बिहारी का, वो 9 बजे से पहले सो के नहीं उठते, तभी तो ठाट है उठते। भाई जिसके ठाट है वह आराम से उठेगा, नौकर चाकर काम कर रहे हैं हमें करने की जरूरत ही क्या है? जिस व्यक्ति को खुद अपने बल को देव करना पड़ेगा वो तो फिर सुबह 4 बजे उठेगा ताकि 9 बजे तक और काम करें। ब्रज की एक ऐसी मान्यता है सिर्फ दुनिया में ठाकुर जी का ऐसा मंदिर है जो आराम से सुबह 9 बजे उनकी मंगल आरती होती है, आराम से दुनिया में 4 बजे हो जाती है आरती अन्य मंदिरों में, इसलिए इनको ठाट होने के कारण से ठाकुर जी बिल्कुल सजे धजे रहते हैं, हर रोज नया फूलों का बंगला सजेगा, भोलेनाथ को चिंता नहीं होती, नहाए तो ठीक नहीं तो भस्म रमा करके बैठ लिए, इनको जो दर्शन नहीं हुआ पूजन नहीं हुआ फूल नहीं चढ़ाए, ठाट में रहने वाले उसको बोलते हैं ठाकुर। ये भगवान श्रीमन नारायण ही है। ऐसे ही ठाकुर की सेवा करते थे द्रोण और धरा। एक दिन क्या हुआ, देखिए जब भगवान व्यक्ति का परीक्षण लेते हैं ना, सबसे पहले उस व्यक्ति से अपने को ही दूर किया जाता है। जो आपका खास आदमी है वही मुंह मोड़ेगा, जो खास जिस भरोसा किया वही आपसे मुंह मोड़ेगा।
और एक बात कहूं, परीक्षा उसी व्यक्ति की होती है जिसकी एडमिशन होती है, जिसकी एडमिशन नहीं होती उसकी परीक्षा भी नहीं होती, वो बैठ नहीं सकता एग्जाम में जब उस स्कूल में उसकी एडमिशन ही नहीं है। भक्ति के मार्ग में जिस व्यक्ति की एडमिशन नहीं है, जो भक्ति करता नहीं है, तो भगवान उसकी परीक्षा भी क्यों लेंगे? इसलिए परीक्षा हमेशा भक्त की हुई है। ध्रुव जी की परीक्षा हुई, आपने कथा सुन ली। प्रहलाद जी की परीक्षा हुई, आपने कथा सुन ली। और अनेकों बात सुनी है। यहां आज धरा और बसु वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, आज उनके साथ परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। गौ माता थी, उनकी सेवा खूब करते थे, गौ को अपना परिवार समझते थे धरा और बसु। यानी गौ माता दूध देती थी, दूध देने के बाद ठाकुर जी को चढ़ाती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद दोनों पति पत्नी बैठ करके भोग लगाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, गौ माता ने दूध नहीं दिया, गौ माता ने दूध नहीं दिया तो भोग भी नहीं लगा, भोग नहीं लगा तो भोजन भी नहीं हुआ। एक दिन बीता, पुनः दूसरे दिन गौ माता के पास जाती है धरा। गौ माता से प्रार्थना करती है, मां मैं दूध देने आपके पास आई। गौ माता ने पुनः दूध नहीं दिया। ऐसा करते करते 8 दिन बीत गए, गौ माता ने दूध नहीं दिया, और 8 बसु ने कहा धरा से, अपनी पत्नी से, कि देवी कब तक भूखे बैठे रहेंगे, और गौ माता अगर दूध जिंदगी तक नहीं देगी तो हम जिंदगी तक भूखे रहेंगे। धरा ने कहा, जिस परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है उस परमात्मा को हमारी चिंता है, हमें अपनी खुद चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका समर्पण परमात्मा पे है, अगर जिंदगी भर तक भी गौ माता दूध नहीं देती है तो हम जिंदगी भर तक यूं ही बैठेंगे, जब तक तन न प्राण रहेंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे, जो हमारा संकल्प है वो भी अटल रहेगा। भगवान से जरा हट्ठी। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।